जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशों की जानकारी देने के लिए एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कलेक्टर कार्यालय में किया गया। आपको बता दें कि 17 मार्च को डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन स्थानीय कलेक्टर कार्यालय के सभा हॉल में किया गया, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग सहित दिशा निर्देशों के मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने की बात कही गई। वहीं पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में वहीं पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा दिए गए। वहीं पुलिस अधीक्षक के द्वारा चुनाव की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था बनाए जाने की बात भी मीडिया को बताई गई। वहाँ हमारे 90% से वोटिंग ज्यादा हुआ है, बहुत सारे बूथों पे 99% वोटिंग हुआ है। उसका एक बहुत बड़ा कारण था लोग आए, लोगों में जागरूकता थी, स्वीप की एक्टिविटीज लगातार चली है। अभी हम लोगों ने इस बार ये कोशिश किया है कि पूरे 2 महीने का स्वीप का कैलेंडर जारी किया है, विभिन्न विभागों को और सोशल ग्रुप्स को इन्वॉल्व किया है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम घर घर जाए और वोटिंग के लिए लोगों को प्रेरित करें। हमारा चैलेंज इंटीरियर एरियाज नहीं है, वहाँ वोटिंग करना चाहे कोई भी विधानसभा हम देख ले काफी अच्छा रहा है। हमारा चैलेंज अर्बन एपैथी को लेकर के है, अर्बन वोटर्स को लेकर के है। अगर एवरेज भी हम देखें तो अर्बन एरियाज में एवरेज हमारे वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो हम जो है यहाँ एक्टिविटीज ज्यादा करेंगे। हम जो है विधानसभा की जो हमारा वोटिंग परसेंटेज है उसकी एनालिसिस करके बूथ वार हम प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग हमारी स्वीप की कस्टमाइज होगी। बूथ पे पर्टिकुलर बूथ पे वोटर्स का नेचर क्या है, वोटर्स का अंदर खून नहीं हुए उसको लेकर के हम एक्टिविटीज करेंगे, चाहे वो हमारा जैसे पुलिस लाइन हो, चाहे वो हमारा बरबेली हो, उकवा हो, इन बेल्टों में विशेष हमारा फोकस रहेगा या बालाघाट अर्बन एरिया को लेकर के। सर, विधानसभा चुनाव में शासकीय कर्मचारियों के वोट से लेकर के काफ़ी सवाल खड़े हुए थे कि उनको मौका नहीं मिला, और फिर डाक पथ पर जैसी घटना भी हुई थी जो कि सुर्खियों में, तो इस बार आप लोग क्या प्रयास रहे हैं कि ये सब चीजें ना हो? देखिए, आयोग के स्पष्ट निर्देश है शासकीय कर्मचारियों को लेकर के ये है कि एक तो पहला चीज है किसी का पॉलिटिकल एफिलिएशंस हम लोगों को अगर मिलता है तो हम उसकी ड्यूटी नहीं लगाएंगे। सभी विभागों से पिछली बार हमने सर्टिफिकेट्स लिए हैं, इस बार सभी नोडल ऑफिसर से हम लोग सर्टिफिकेट लिए हैं, तो उनकी टीम में जो लोग लगाए जा रहे हैं उनका कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं है। तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि इस तरह के एलिगेशन नहीं आए। आयोग की जैसी शांतिपूर्ण निष्पक्ष निर्वाचन की मंशा है उसको हम लोग पूरा करेंगे। पिछले बार अतिरिक्त शिक्षक की ड्यूटी लगाई गई और उनको उन्होंने कोई सूचना नहीं दी गई, अतिथि शिक्षकों में पिछले विधानसभा में अपडेट करना चाहूंगा, लगभग हमारे 220 से 230 लोगों को लगाया गया था, जिसमें 125-30 लोगों ने को लोकल स्तर पे हम लोगों ने उनकी ड्यूटी संशोधन करके उनको वोटिंग के लिए प्रेरित किया था, उसका रिजल्ट भी हमको टर्नअप पर मिला था। हमारे पास जैसे ही हमको डिप्लॉयमेंट प्लान स्टेट से मिलेगा कि हम नक्सल एरिया क्रिटिकल बूथ पे और नॉर्मल बूथ पे हमारा डिप्लॉयमेंट प्लान क्या रहेगा, हमको फोर्सेस कितना मिल रहा है, उसी हिसाब से हम लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। उसमें हम लोग जनरली कुछ कैटेगरीज फिक्स है। आयोग ने पिछली बार हम लोग को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अतिथि शिक्षकों के लिए एग्जेम्पशन दिया था लगाने के लिए, और वो परमिशंस काफी लेट आई थी। इस बार हम लोगों ने रिक्वेस्ट ऑलरेडी मूव कर दी, सभी जिलों से मूव हुई है, तो एक बार फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान हमारा फिक्स हो जाएगा तो हम लोग इस पे काम कर लेंगे। एसपीओस पे इस बार या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ड्यूटी में लगेंगी, उनको हम लोग ईडीसी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी करेंगे, और जिस भी बूथ पे रहेंगे वो वहां के मतदाता हो या ना हो वही उसी बूथ पे वो अपना वोट पास करेंगे। सर, ये मतदान जिस दिन होना उसके लिए ओपन हो गए डेट, लेकिन टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग अभी तक नहीं बताएगी क्या टाइमिंग है? ये नोटिफिकेशन के साथ ही आएगा, नोटिफिकेशन तक हमको वेट करना चाहिए। फॉरवर्ड करा तो उसके बाद मुझे ब्लैक मिरर पत्र का गंदी गंदी गालियां दी, तो मैं कल उसका ज्ञापन दूंगा आपको। सरदार पटेल दिवाकर पे एक न्यूज में फॉरवर्ड किया, उसके बाद से चालू हुआ है, और ग्रुप में है, पर्सनल नहीं है। ठीक है, मैं ज्ञापन दूंगा कल, कार्रवाई देखिए। बिल्कुल, कल का तो हमारे पास डेटा नहीं आया कितना बल हमें मिलेगा। हम लोगों ने डिमांड लगभग उतनी ही की है जितना पिछली बार किया था, लगभग 100 कंपनीज की डिमांड हमने की है। लास्ट टाइम हमें लगभग 75 कंपनीज मिली थी, क्योंकि कुछ हमारे पास पहले से बल डिप्लॉयड है नक्सल एरिया, तो उनको काउंट कर लिया गया, तो लगभग 80 कंपनी थी हमारे पास। इस बार भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 80 से 85 कंपनीज हमें मिलेंगी।
क्योंकि क्षेत्र भी उसी तरह का है। इवन दो लॉ एंड ऑर्डर के सेंस में लोग कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में ज्यादा सेंसिटिविटी रहती है, लोकसभा में कम रहती है, लेकिन नक्सल थ्रेट तो उतना ही बना हुआ रहता है, उसमें कम नहीं होता। क्योंकि पहले चरण में हमारा चुनाव, तो मुझे लग रहा है कि फोर्सेस के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी मिल जाएगी, और उसके बाद यहाँ से जो हमारा सीमावर्ती राज्य है छत्तीसगढ़, तो वो सेकंड चरण या थर्ड चरण में, तो यहाँ से फिर फोर्स उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। होली में तो कोई ऐसा मतलब जो हर बार रहता है उसी तरह का रहेगा, बस जो नियम है उनको थोड़ा स्ट्रिक्टली आप लोग सभी से, लोगों से एक्सपेक्टेशन रहेगा कि उसको फॉलो किया जाए। जो अनुमतियां हैं चुनाव सब लोगों का असेंबल होने की, जमा करने की, वो उसकी पहले से ले ली जाए, और किसी भी होली के प्लेटफॉर्म को कैंपेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए, वो सभी को आयोजकों को ध्यान में रखना है, एमसीसी के गाइडलाइंस में क्लियर है। पर कहीं पे भी ऐसा नहीं कि आप सामाजिक त्यौहार नहीं मना सकते, पर ये बात है कि विद इन द गाइडलाइंस जो इशू किए हुए चुनाव आचार संहिता के दौरान, उसको हम लोग को अक्षरशः पालन कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई शिकायत होती है फिर हम कार्रवाई के लिए बाध्य रहेंगे। कई बार चीजें हम लोग अपने लेवल पे डील हो जाती है, और अगर शिकायत होगी तो फिर हम लोग कार्रवाई के लिए बाध्य रहेंगे, उसके बाद किसी का मतलब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आचार संहिता लगने पे मैरिज भी है, उसके लिए क्या गाइडलाइन? शादी जा सकते हैं या आप लोग परमिशन देंगे? और सर डीजे जी बंद कर दिया गया, तो सर ये चेंज करेंगे कि शादी कर सकते हैं? 30 से 40 लाख से कम शादी हो जाएगा? शादी है सर इसी टाइम में, ये टाइम देखिए शादी को लेकर के संचालकों को गाइडलाइन बहुत ही क्लियर है, जैसा है कि 10 बजे के बाद चीजें साउंड नहीं यूज करना है। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इसमें आती हैं, पर यह है कि संचालक और जो भी डीजे वाले हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे अगर कोई वायलेशन पाया जाता है। अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा कि पॉलिटिकल गतिविधि में किसी प्रकार के फंक्शन, चाहे वो पर्सनल हो चाहे कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, उसमें कैंपेनिंग में वो यूज नहीं किए जाएंगे। आयोजकों की जिम्मेदारी रहेगी, उन पर उनकी लायबिलिटी रहेगी। कैश ट्रांजेक्शन को लेकर के देखिए, हम लोगों ने सभी हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनकी बैठकें कर ली हैं, उनको ये बता दिया है कि रेगुलर जो ट्रांजेक्शन आपके हो रहे हैं खाते से, उससे स्केल अप कोई ट्रांजेक्शन होता है तो वो जानकारी हमको देते हैं, हम वो जानकारी इनकम टैक्स के साथ शेयर करते हैं। इस बार हम लोगों ने रेलवे को भी लूप में लिया है, हमारी जैसा मैंने बताया FST SST फंक्शनल हो गई है, और ना के हमारे फंक्शनल हो गए हैं, इन्फोर्समेंट हम नोटिफिकेशन के साथ ही स्टार्ट कर देंगे। जो मूवमेंट व्यक्ति पर्सनल लेके चल रहे हैं कैश, उनको प्रॉपर परमिशन प्रॉपर इंटीमेशन के साथ, जो डेली बिजनेस कर रहे हैं जैसे मंडी हुआ, किसान हुआ, व्यापारी हुआ, ये जो डेली बिजनेस कर रहे हैं अगर पहले से इंफॉर्मेशन है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो हम एग्जम्प्ट करेंगे और वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एग्जम्प्ट करेंगे, अन्यथा वो सीज की जाएगी। पिछली विधानसभा में भी हमारा सीजर परसेंटेज पिछले लोकसभा विधानसभा से लगभग 300% ज्यादा था, हम लोग और सख्ती करेंगे इसमें। इसमें सबसे क्वेश्चन हो